तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। इसका अभी करंट प्राइस जो है 31.5 रुपये चल रहा है, 31.55 रुपीज़। 31.5 रुपये ऑलमोस्ट यहाँ पर इसका करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के कि इसमें लॉन्ग टर्म आपको क्या देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो जून 2015 का एक लेवल देखने को मिल रहा था, जिसके बाद से ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यही एक हाई प्राइस था यहाँ पर। उसके बाद से प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आया हुआ था और यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट बॉटम आउट किया और स्लोली स्लोली प्राइस ऊपर जाने की कोशिश में था और देन यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था जुलाई 2021 के। यहाँ पर इसने इस मंथ ब्रेकआउट किया और प्राइस ऊपर गया, ऑलमोस्ट 120 रुपये तक गया था प्राइस। देन वहाँ से फिर प्राइस डाउन आया और यहाँ पर इसका बॉटम हुआ था अप्रैल के मंथ में। देन उसके बाद से भी प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। तो यहाँ पर जो है इसने ऑलमोस्ट इसको ब्रेकआउट करने के बाद एज अ रीटेस्ट इसने किया है। अगर इसका परसेंटेज देखें तो ऑलमोस्ट इसके हाई प्राइस 92% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला था। देन उसके बाद से अभी प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा है और ऑलमोस्ट यहाँ पर 228% का रिटर्न्स और प्राइस में उछाल इसमें देखने को मिल रही है। तो अभी बात की जाए कि इसमें अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, वॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम लगाऊंगा और 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है अगर इस लेवल को देखा जाए तो देखो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है, अभी रिटेस्ट कर रहा है और अभी 11 दिन बचे हैं इस 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के लिए। तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग इसी तरह आती है ना तो यहाँ पर ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है तो प्राइस इस लेवल के अबाव में रहता है जो कि 17 रुपये का है। तो 17 रुपये के लेवल के ऊपर ऊपर अगर ये रहता है तो आपको इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वही इसका ऑल टाइम हाई प्राइस ऑलमोस्ट 124-125 रुपया 125 रुपीज़ का आपको स्टिल इसमें प्राइस में टारगेट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और देन अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है जो कि करना चाहिए क्योंकि इसका ये जो पैटर्न्स था इसको ब्रेकआउट और रिटेस्ट किया है, तो रिटेस्ट करने के बाद प्राइस जो है ऑलमोस्ट जो है अपने रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर ही जाता है प्राइस। तो इस बार भी अगर ऐसा ही होता है ना तो 125 रुपीज़ आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। देन इसको ब्रेकआउट करता है तो ऑलमोस्ट आपको 200-300 रुपये तक भी आपको इसका प्राइस में टारगेट देखने को लॉन्ग टर्म में आपको खास तौर पर देखने को मिल सकता है। अगर फर्स्ट टारगेट तक ही देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसमें जो टारगेट है ऑलमोस्ट 290% का यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल रहा है। और अगर 300 टारगेट जाता है 300 रुपये तक जाता है तो 865% का रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। तो 9-10 गुना का आपको इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में। ठीक है, आप इसमें थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा रिस्क मत लेना। तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जितनी भी वीडियोस में मैंने बात कही है वो सारी की सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह का मैं इसमें कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मेरी किसी भी तरह की आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसमें सारा का सारा जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप जो है अपनी खुद की रिसर्च और एजुकेशन लेना, देन तभी आप यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की यहाँ पर एडवाइस लेना, देन तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।